प्रकृति की गोद में समाया बांडी नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे बसा एक छोटा सा गांव है कोटजेवर। कोटजेवर जयपुर जिला मुख्यालय के करीब 47 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में अजमेर रोड के नजदीक झरना पंचायत से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कोटजेवर झरना पंचायत से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ा हुआ है। यहाँ की आबादी करीब 1500 के आसपास है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। 20 वर्ष पूर्व तक ये गाँव गुमनामी के अंधेरे में डूबा हुआ था, किंतु आज जयपुर के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प ब्लू पॉटरी क्लस्टर के रूप में ये विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ करीब 100 से 125 कारीगर ब्लू पॉटरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। दिनांक 12 जुलाई 2016 से 25 जुलाई 2016 तक यहां 14 दिवसीय ब्लू पॉटरी निर्माण से संबंधित ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बीपी कोइराला फाउंडेशन, पतित पावन जन कल्याण समिति और राधिका आर्ट एंड पॉटरीज के साझा तत्वावधान में शुरू किया गया। राधिका आर्ट एंड पॉटरीज पिछले 25 वर्षों से जयपुर के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प ब्लू पॉटरी के निर्माण में सफलता के साथ संलग्न है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत नेपाल से आए 6 कारीगरों को ब्लू पॉटरी निर्माण से संबंधित ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन सत्र जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत में नेपाल के राजदूत श्री केपी डकाल साहब मौजूद रहे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुई। माननीय अम्बेसडर श्री केपी डकाल, पतित पावन जन कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री डीएस चंद्रावत, वरिष्ठ पत्रकार रुचि सिंह, राधिका आर्ट एंड पॉटरीज के संस्थापक श्री अशोक व्यास ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ किया। इस मौके पर जयपुर के जाने माने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि, नेपाल से आए 6 कुंभकार ट्रेनी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों का पतित पावन जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों की तरफ से पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। साथ ही राधिका आर्ट एंड पॉटरीज के संस्थापक अशोक कुमार व्यास की तरफ से मंच पर उपस्थित खास मेहमानों को ब्लू पॉटरी प्रोडक्ट उपहार स्वरूप देकर उनका सम्मान किया गया। वरिष्ठ पत्रकार रुचि सिंह की ओर से भी उपस्थित मेहमानों को स्मृति चिन्ह दिए गए। उद्घाटन सत्र को पतित पावन जन कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री डीएस चंद्रावत, राधिका आर्ट एंड पॉटरीज के संस्थापक श्री अशोक व्यास और भारत में नेपाल के राजदूत श्री केपी डकाल साहब ने संबोधित किया। राजदूत नेपाल के भारत में राजदूत श्री अशोक व्यास जी एवं श्री चौधरी साहब के अध्यक्ष, मैं सभी गणमान्य अतिथि पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबको मेरा अभिवादन नमस्कार। माननीय श्री केपी डकाल साहब, ऑनरेबल एम्बेसडर एम्बेसी ऑफ नेपाल इन इंडिया। दोस्तों, ब्लू पॉटरी आप सभी जानते हैं कि जयपुर का विश्व विख्यात हस्तशिल्प है। चंद्रावत जी ने बताया कि ये अलग अलग देशों से होता हुआ यहाँ हिंदुस्तान आया, और फिर हिंदुस्तान में भी जब मुगलिया सल्तनत थी तो जयपुर और मुगलों के रिलेशन बहुत जाने पहचाने थे, तो वहाँ से कुछ कारीगर इधर जयपुर आए और महाराजा राम सिंह जी ने एक स्कूल की स्थापना की, जो आज भी आप देख सकते हैं किशनपुर बाजार में स्कूल ऑफ आर्ट्स है।
वहां पे उन कारीगरों को प्रेशर दिया, उनको फंडिंग दी और ब्लू पॉटरी का काम उनको करने के लिए प्रेरित किया। पुराने जो लोग थे उन्होंने इस ब्लू पॉटरी के नाम को आगे बढ़ाया, मगर ये ब्लू पॉटरी ज्यादा विख्यात हुई माननीय श्री पद्मश्री कृपाल सिंह जी शेखावत, उन्होंने कुछ इनोवेशन इस ब्लू पॉटरी में किया और ये वर्ल्ड लेवल पे ये पॉटरी चमकी। की बात ये रही कि इन 15-20 सालों में करीब 150 लोग ब्लू पॉटरी के व्यवसाय से जुड़ गए। आज हमारा कोटजेवर जो कहीं जाना पहचाना नहीं जाता था, ब्लू पॉटरी क्लस्टर के रूप में वर्ल्ड में काफी पॉपुलर होता चला जा रहा है। पीटी कोयाला फाउंडेशन और पतित पावन जन कल्याण समिति के सानिध्य से हम इन 6 कुंभकारों को जो नेपाल से आए हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। और श्री केपी नेपाल साहब एम्बेसडर नेपाल। थैंक यू, गुड इवनिंग, नमस्ते। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर ऑफ द टाइम। ये पिंक सिटी में और ये राजस्थान में नेपाल का ऐतिहासिक संबंध है कि आज का राजस्थान इतना सुंदर, इतना कम्फर्टेबल और इतना मेमोरेबल हुआ है कि हमारे एक साथी पहली बार आया है वो कह रहा था कि राजस्थान बहुत हरा भरा है, बहुत फूल भी है। ये अच्छा इंप्रेशन लेकर हम जा रहे हैं। ब्लू पॉटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत नेपाल से आए 6 कुंभकार कारीगरों के स्वागत सत्कार तथा आपसी परिचय से। मेरा नाम रुचि सिंह है, आई एम द सीनियर जर्नलिस्ट हूँ मैं, और मैं स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। टाइम टू टाइम मैं बीपी कोयला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के थ्रू पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे कि दोनों देशों के आपसी जो प्यार है भारत और नेपाल का वो बराबर बना रहे। मेरा नाम है कृष्ण सुंदर प्रजापति, मैं नेपाल से आया है मिट्टी के बर्तन को मुक्त करने के। मेरा नाम है कृष्ण गोपाल, नेपाल से आया है काम सीखने के लिए, मैं आया है मिट्टी के। प्रजापति, मैं इधर मिट्टी का बर्तन ट्रेनिंग लेने के लिए आया है, मैं नेपाल से। नमस्ते, मेरा नाम धीरा प्रजापति, मैं नेपाल से आया है मिट्टी के काम के लिए, हम यहाँ तान लेकर जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम रुचि प्रजापति है, मैं नेपाल में रहती हूँ, इधर पोट्री के संबंध के पोट्री का ट्रेनिंग। इस कार्यक्रम में बीपी कोयराला फाउंडेशन की तरफ से हमने 6 पॉटर्स को भक्तपुर नेपाल से बुलाया हुआ है जो यहाँ पर ब्लू पॉटरी का काम सीखेंगे। श्री अशोक व्यास ने प्रोग्राम के पहले दिन ट्रेनी कारीगरों को ब्लू पॉटरी निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि ब्लू पॉटरी बॉडी निर्माण में मुख्यतः क्वार्ट्ज स्टोन पाउडर 200 मैस, सफेद ग्लास पाउडर 100 मैस, साजी, मुल्तानी पाउडर और कतीरा गम पाउडर काम में लिया जाता है, जिसका अनुपात क्वार्ट्ज पाउडर 80%, सफेद ग्लास पाउडर 16%, साजी मुल्तानी पाउडर 2% और कतीरा गम 2%। तो बेसिक जो हमारा है वो ये 4 आइटम होते हैं, ये 4 आइटम हमारा रॉ मटेरियल होता है जो यूज करते हैं। चाहो तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल हर आदमी को चाहिए कि इधर अगर ऐसा ही चीज बना हुआ तो उधर भी वैसे ही चीज, अगर थोड़ा सा 19-20 होता बोला नहीं नहीं यार ये बेकार है इसमें, इसलिए हमको इस ड्रेसिंग का सारा लेना। इसको बोलते हैं पहले तो आप जाते हुए ड्रेसिंग नहीं कराता है, यहाँ पे ड्रेसिंग बाजार में मिलता है, वो डिजाइन के ऊपर रखकर इसको सुई से ऐसे ऐसे चेंज करके इसका डिजाइन बना लेते हैं, दैट इज अ ड्रेसिंग मेकअप। संस्था के मास्टर क्राफ्टमैन श्री रामनारायण ने ट्रेनी कारीगरों से ब्लू पॉटरी प्रोडक्ट की बॉडी निर्माण के लिए रॉ मटेरियल तैयार करवाया। सबसे पहले क्वार्ट्ज पाउडर तोला गया, उसके पश्चात सफेद ग्लास पाउडर क्वार्ट्ज पाउडर के अनुपात में तोल कर डाला गया, इसके बाद कतीरा गम पाउडर छान कर डाला गया, अंत में साजी मुल्तानी पाउडर डालकर सामग्री को मिलाया गया।
इसके पश्चात मिश्रित सामग्री में पानी डालकर बॉडी मटेरियल तैयार किया गया। तैयार मटेरियल को 12 से 18 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे इसकी प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। अगले दिन ट्रेनी कारीगरों को बॉडी निर्माण की विधि बतलाई गई। पहले तैयार मटेरियल को पीट पीट कर फ्लेक्सिबल किया जाता है। इसके पश्चात ब्लू पॉटरी के विभिन्न उत्पादों के साइज के अनुपात में मटेरियल के टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़ों के लोए बनाकर बट्टे की सहायता से उन्हें फैलाया गया। अब इन फैले हुए मटेरियल को सावधानी के साथ अलग अलग मोल्डों में डाला जाता है तथा खाली जगह में चूल्हे की राख और सैंड के मिश्रण को भरकर पटली पर उल्टा रखकर इसे सूखने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। सूखने के पश्चात शेप को मोल्ड से अलग कर उसमें लगी राख को फूस की ब्रश से साफ किया जाता है। अब इस शेप को घिसकर एक्स्ट्रा मटेरियल हटा दिया जाता है। इसके पश्चात शेप की फिनिशिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में पत्ती से शेप को खुरचा जाता है तथा बॉडी रॉ मटेरियल की सहायता से शेप पर मौजूद गड्ढों को भरा जाता है और पुनः धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के पश्चात शेप को सैंड पेपर की सहायता से फिनिशिंग की जाती है। इसके पश्चात विभिन्न आकार देने के लिए तैयार शेप को आपस में जोड़ने के साथ ही चाक पर पैंदी और गर्दन तैयार करने का कार्य किया जाता है और सूखने के लिए फिर धूप में रख दिया जाता है। अब अगली प्रक्रिया में तैयार शेप्स के ऊपर अस्तर किया जाता है। 80% क्वार्ट्ज स्टोन पाउडर, 20% सफेद ग्लास पाउडर में मैदा से बनी राब डालकर अस्तर तैयार किया जाता है। अब अगली प्रक्रिया में तैयार शेप्स के ऊपर अस्तर किया जाता है। सूखने के पश्चात तैयार शेप्स में डिजाइन और रंग भरने का कार्य किया जाता है। ब्लू पॉटरी के लिए मुख्यतः कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, येलो, ब्राउन और पिंक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले रंगों को तैयार किया जाता है, फिर कोबाल्ट ऑक्साइड की सहायता से डिजाइन का आउटलाइन तैयार किया जाता है। डिजाइन तैयार होने के बाद उसमें अलग अलग रंग भरे जाते हैं। रंग और डिजाइन के बाद प्रोडक्ट को सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है।
अंतिम अवस्था में प्रोडक्ट पर ग्लेजिंग का कार्य किया जाता है। ग्लेज बनाने के लिए सफेद ग्लास पाउडर 42%, बोरेक्स 35%, बोरिक एसिड 15%, जिंक ऑक्साइड 3%, पोटेशियम नाइट्रेट 5%। तैयार ग्लेज को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। अब इस ग्लेज पाउडर को टब में डालकर एक निश्चित अनुपात में मैदा की ली डाली जाती है, फिर पानी डालकर ग्लेज का घोल तैयार कर लिया जाता है। अब तैयार प्रोडक्ट को इस घोल में डुबोकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। पहले ब्लू पॉटरी के फायरिंग के लिए वुडन फायरिंग भट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, किंतु अब इसकी जगह गैस फायरिंग भट्टी काम में ली जाती है। ग्लेजिंग के बाद प्रोडक्ट को भट्टी में इस प्रकार लोड किया जाता है। लोडिंग के बाद भट्टी में फायरिंग शुरू की जाती है। भट्टी का फायरिंग टेम्परेचर लगभग 725 डिग्री सेल्सियस से 750 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फायरिंग प्रक्रिया 5-6 घंटे की होती है। फायरिंग के बाद 36 घंटे के लिए प्रोडक्ट को ठंडा होने के लिए भट्टी में ही छोड़ दिया जाता है। 36 से 40 घंटे के बाद तैयार ब्लू पॉटरी प्रोडक्ट को भट्टी से निकाल कर पैकिंग या डिस्प्ले के लिए रख दिया जाता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन समारोह दिनांक 25 जुलाई 2016 को पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बगरू विधानसभा के विधायक डॉ. कैलाश वर्मा थे। समापन समारोह को राधिका आर्ट एंड पोट्रीज के संस्थापक श्री अशोक व्यास ने भी संबोधित किया। प्रोग्राम है जिसमें नेपाल से 6 कुंभकार भाई बहन आए हुए हैं। इन्होंने बड़ी मनोयोग के साथ 16 दिन हमारे गांव राधिका आर्ट एंड पोट्री जो हमारी संस्था वहाँ रहकर के ब्लू पॉटरी की ट्रेनिंग ली और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका डिस्प्ले भी हमने बाहर किया है। इसका उद्देश्य बेसिकली ये नेपाल और भारत की मैत्री को आगे बढ़ाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है उसी के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि हमारी जो ब्लू पॉटरी है ये विलुप्त प्राय होती जा रही है, तो इसका प्रचार प्रसार देश में ही नहीं बाहर भी होगा। और एक दूसरा उसका उद्देश्य ये है कि दो जब विधाएं आपस में मिलती है तो एक नया इनोवेशन होता है।